सबको आज की राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। कल हमने ट्रांसफॉर्मेशन हाईवे करा, खूबसूरत हाईवे, और वो करते हुए हम आ गए रोमानिया के एक और शहर ब्रसाव। ब्रसाव छोटा सा शहर है, रात को दिखाने की कोशिश करी, था कुछ नहीं क्योंकि सर्दियां आ गई हैं, तो अब टूरिस्ट भी गायब हो गया है यहाँ से और चहल पहल भी नहीं थी। और आज हम ब्रसाव से राइड करेंगे, रेड लेक देखेंगे। रेड लेक के बाद हम एक रोमानिया के एक और शहर बिकास में जाके रुकेंगे हम, और कल हम फिर यहाँ से निकलेंगे मोल्दोवा की तरफ, जो कि हमारी कंट्री नंबर 15 होने वाली है। आपको टूर देता हूँ जो हमने कल अपार्टमेंट बुक करा था ब्रसाव में, स्टूडियो अपार्टमेंट था, इसमें 4 जने सो सकते हैं। वैसे ये फर्स्ट क्लास अलमारियाँ बनी हुई थी, ये सोफ़ा कम फोल्डिंग बेड था, डबल बेड एक ऊपर है डबल बेड, और ये किचन, और ये एक वॉशरूम। तो रेडी हो गए अब हम और निकलते हैं। रेनकोट आपने देखा होगा पहना हुआ है मैंने, क्योंकि बारिश का मौसम हो गया है और आज लगता है कि हमको बारिश में ही सफ़र करना पड़ेगा। देखते हैं रेड लेक कैसी मिलती है हमको। और ये एप्पल के पेड़ हैं जो अब सूख गए, अब फ्रेश एप्पल्स आएंगे यहाँ, और ऐसा कुछ हमारा कंपाउंड था। आप सब हैरान होंगे कि रोमानिया 3 दिन से हैं हम, और हमने रोमानिया की कैपिटल बुकारेस्ट तो करा ही नहीं है। यस, बुकारेस्ट हमने नहीं करा है। अब हम यहाँ से, जैसा कि मैंने बताया कि कल मोल्दोवा कंट्री नंबर 15 चले जाएंगे, लेकिन हमको बुल्गारिया जाने के लिए वापस रोमानिया में एंट्री लेनी पड़ेगी। तो हम वापस रोमानिया में एंट्री लेंगे और रोमानिया की कैपिटल बुकारेस्ट ज़रूर आपको दिखाएंगे और हम भी देखेंगे। तो आज का सफ़र लगता है कि बारिश वाला होगा ही होगा। बाइक एज यूजुअल साफ कर दिया मैंने, चमक रही है बिल्कुल, टायर्स तक आप देख सकते हैं चमक रहे हैं, चेन ग्रीसिंग कर दी है। लोडिंग एज यूजुअल, आपको पता ही है कि 40-45 मिनट लगते हैं सामान पैक करके उसको लोड करने में, फर्स्ट क्लास। बाइक्स हमारी अंदर कंपाउंड में ही हमने पार्क कर ली थी, हालांकि इस अपार्टमेंट ओनर के पार्किंग नहीं थी इसके पास, लेकिन हमने पार्किंग करके काम चला ही लिया कैसे भी। और बाइक यार साफ़ करके सुबह सुबह साबुन से धोई है, बिल्कुल साफ़ करके बाइक चलाने का मज़ा ही अलग है यार। एक और नया दिन और एक और नया सफ़र शुरू। आज का सफ़र होने वाला है करीब करीब 260 किलोमीटर का, और लगेंगे करीब 6-7 घंटे, रुकते रुकाते जाएंगे, देखते देखते जाएंगे और आपको दिखाते हुए जाएंगे। बाइक्स 8,500 किलोमीटर क्रॉस हो चुकी हैं और अब सर्विस ड्यू हो गई है। टर्की में ही सर्विस कराएंगे, क्योंकि टर्की में हम टायर्स भी चेंज कराएंगे और सर्विस भी कराएंगे। अभी तक बाइक्स बिल्कुल ठीक चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी किस्म की। चेन्स अभी तक तो टाइट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी है। मुझे लगता है कि ये 25,000 किलोमीटर का सफ़र एक ही चेन से शायद हो जाएगा, बाकी देखेंगे। चेन मैं एक्स्ट्रा कैरी कर ही रहा हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बदल लूँगा मैं खुद ही, टूल्स मेरे पास हैं ही। तारीख हो गई है 25 अक्टूबर वेडनेसडे, और पतझड़ अपनी चरम पर है। आप देख सकते हैं सड़कें भरी हुई हैं पतझड़ के पत्तों से, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, आज छुट्टी तो नहीं है लेकिन खेल रहे हैं बच्चे। चलो थोड़ा सा दिन में भी ब्रसाव को देख लेते हैं, बच्चे कर रहे हैं क्रॉस, ये स्कूल से ही आए हुए हैं, और कल हम इसी रास्ते से गए थे सिटी सेंटर देख लें। यहाँ पर एक राइट पे क्लॉक टावर है और सिटी सेंटर है, जो कि ठीक ठीक, बहुत ज़्यादा लोग बाग नहीं थे, लोकल्स थे कैफेज़ में, बाइकर्स और बाइक्स यहाँ काफ़ी हैं, कल रात को भी दिखी और शोर मचाते हुए जा रहे थे। अब ऐसा है कि हम या तो खाली रोमानिया घूमने आए 15 दिन, तो 2-2, 3-3, 4-4 दिन एक शहर में रुकें, ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि इतना लंबा सफ़र है हमारा। रात को भी हम यहीं से गए थे, फिर हम वॉक करते हुए यहां से इधर से क्रॉस करते हुए निकल कर गए। आज तो सुबह काफ़ी लोग वक्त दिख रहे हैं यहाँ, कल रात को तो लोग नहीं दिख रहे थे। यहाँ सिटी में ट्राम नहीं दिखी है, लोकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बसेज ही हैं जो कि नज़र आ रही हैं। शहर ऐसा लग रहा है आज सुबह जिंदा हो उठा है, कल रात को तो सोया हुआ शहर लग रहा था। हम 8 बजे निकले थे घूमने, इंटरेस्टिंग शहर है रोमानिया, एक बार फैमिली के आके साथ आके खाली रोमानिया ही घूमा जाए 10-15 दिन, तब
ठीक से देख पाएंगे? अब कोई दिल्ली आए दो दिन के लिए तो वो क्या देख पाएगा दिल्ली में दो दिन में? बरसाव से हम बाहर ही आ गए हैं और देख सकते हो आप पूरे शहर में पत्ते ही पत्ते फैले हुए हैं पतझड़ के। पहला एक्सीडेंट दिखाया यहाँ। एक्सीडेंट्स नॉर्मली यहाँ दिखते नहीं है, हमको 40-45 दिन हो गए हैं, एक्सीडेंट्स दिखते नहीं है, ना ही शोर शराबा, ना ही ब्रेकों की जोर से लगने की आवाज़ें आती हैं, क्योंकि हर कोई पेशेंस से चलता है, एक दूसरे को साइड देके चलते हैं। जल्दी मैंने देखा है यहाँ पर किसी को नहीं है सड़क पर, रोड रेज है नहीं, होती ज़रूर होगी, मैंने ही ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं होती, लेकिन हमें नहीं दिखी। देखो यहाँ सड़क पर एल्युमिनियम की कीप बेच रहे हैं, कीप्स बिकती होंगी यहाँ पर, इसीलिए बेच रहे हैं। एक पीछे भी था तो ज़रूरत के अनुसार लोग बाग अपना रोज़गार ढूंढ लेते हैं। हवा आज बहुत तेज़ है और ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में हो, कभी लेफ़्ट से राइट आ रही है, कभी राइट से लेफ़्ट आ रही है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। झोंका इतनी तेज़ आता है कि पूरी बाइक हिल जाती है। अब इस समय लेफ़्ट से राइट आ रही है, ये आपको चारों तरफ भुट्टे की खेती नज़र आ रही है। भुट्टे की खेती अब ख़त्म, अब ये कट के फिर से दोबारा तैयार कर रहे हैं खेत को, कटाई चालू है। यहाँ भुट्टा बहुत होता है, तो इधर भी सारे में भुट्टा ही भुट्टा है। पूरे यूरोप में कॉर्न जो है काफ़ी है, और ये भी कुछ ग्रीन सब्जी की खेती है, ये अभी लगी है, फसल निकलनी शुरू हुई है अभी। और हमको आज जाना है उस तरफ, और उस तरफ पहाड़ पर वो देखो बादल हैं, बारिश उधर हो सकती है काफ़ी तेज़। रोमानिया में कॉर्न, सेब, सीताफल की तो गजब की खेती होती है यहाँ, और एप्पल्स तो हैं ही, लेकिन एप्पल्स अब सीज़न चला गया, अब तो नेक्स्ट सीज़न में आएंगे एप्पल्स और संतरे। ये चार पांच चीज़ें काफ़ी होती हैं रोमानिया में। कितना कॉर्न लगा हुआ है, कॉर्न की भी अब नई ब्रीड आ गई है, पहले कहाँ इतनी सी हाइट में भुट्टे आया करते थे। हाथ मेरा ऑलमोस्ट ठीक हो गया था, लेकिन बीच में आप देख रहे होंगे कि एक छोटा सा स्पॉट, वो वापस दोबारा से उसमें छाला पड़ गया था, तो हो जाएगा ठीक, इसलिए मैंने ग्लव्स नहीं पहने कल से, क्योंकि इसमें फिर से पानी आ गया था, अभी अभी फूटा है ये छाला। यहाँ की तो गायों की भी मौज है, क्या मस्त हवा पानी मिल रहा है उनको, और घास मिल रही है हरी हरी खाने को। तो कहीं हो बच्चे मोटरसाइकिल को देख के कहते हैं रेव करो रेव, आवाज़। अब सुपर बाइक थोड़ी ना हमारे पास जो आवाज़ कर दें भाई। हाँ मेरी 14R होती या भूसा होती तो फिर मज़ा आ जाता, फिर इनको बताते आवाज़। आज हम बच गए हैं, अभी तक तो बारिश हमारे से पहले हो चुकी बहुत तेज़। कई बार देर होना भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है। देखो एक लौता पेड़ खड़ा है बेचारा। Thank you.
दोपहर के बजे हैं 3, लेकिन मौसम ऐसा हो रहा है कि जैसे शाम के बजे हो 7। बारिश लकीली हमको नहीं मिली है, हमारे से पहले बारिश हो चुकी है, अभी भी सड़कें गीली हैं और उसकी वजह से ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हवाएं आज बहुत तेज़ चल रही हैं, लेकिन हाँ रास्ता बहुत शानदार है। करीब 16 किलोमीटर दूर रह गई है रेड लेक, देखते हैं वो बस डिसअपॉइंट ना करें। वो देखो वो कहाँ ऊपर पहाड़ चढ़ना है, वो हमको चढ़ना है ऊपर। ठंड बहुत हो गई है, पाँव तो बिल्कुल सुन्न हो गए। रेड सी ने तो डिसअपॉइंट करा, बारिश आ रही थी और देखने लायक भी नहीं थी। हम इतनी अच्छी अच्छी लेक्स देख आए हैं, आज तो बारिश ने काम ख़राब कर दिया, नहीं तो ये बढ़िया नज़ारे होते। रोड स्लिपरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पत्ते और आ गए हैं रोड पर। ओ हो 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 हो, ब्यूटीफुल, आगे देखो कितनी टाइट पहाड़ों में से निकलेगी। ओ हो 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 हो, मस्त। ये है ब्यूटीफुल, यहाँ तो ड्रोन लगाने वाली है, एक्सपर्ट ड्रोन उड़ाने वाला चाहिए। कैसे पहाड़ों के बीच में से इन्होंने सड़क काट के, और इसी वजह से बड़े बड़े ट्रक जाते हैं। मेरे आगे जा रहा है एक ट्रक बड़ा। आज का सारा रास्ता बोरिंग था, मगर ये बहुत सुंदर आया। बारिश नहीं होती तो फिर वीडियो वगैरह अच्छी तरह से ड्रोन उड़ा के कुछ लेते। काज में रहने का हमने आइडिया ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि ये जो अभी आपको पहाड़ दिखाए थे यही सब है विकास में। और विकास एज सच वहाँ रहने की कोई जगह नहीं है, वहाँ से कोई 18 किलोमीटर नियरेस्ट जो मिल रही है वो 8 किलोमीटर मिल रही है, जो कि यही पहाड़ों के पास थी। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, मालदोवा का रास्ता डाल लिया हमने अपनी कंट्री नंबर 15, और यहाँ से करीब 75 किलोमीटर पर एक छोटा सा टाउन आएगा, वहाँ रुकेंगे, और वो करीब 1.5-2 घंटे में आएगा, तो वहाँ रुकते हैं। विकास, ये जो आप देख रहे हैं भाई, ये सारा विकास चल रहा है, BICAZ। और विकास फेमस है जो एक रेड लेक, जो मैंने दिखाई नहीं आपको क्योंकि वो दिखाने लायक थी नहीं, और जो अभी हमने दिखाया था आपको माउंटेंस के बीच में से हम निकले थे, बिल्कुल चिपके हुए माउंटेंस के बीच में से एक सड़क निकाली हुई है, तो बस उसी के लिए फेमस है। बारिश यहाँ नहीं है, सड़क सूखी है। अब स्पीड यहाँ से हमने डाप दी है, और जगह का नाम है नियामात्रा, तो वहाँ चलते हैं ताकि कल फिर और जल्दी हम मोल्दोवा पहुँच सकेंगे, बॉर्डर क्रॉस कर सकेंगे आराम से सुबह। थोड़ा सा बारिश जो पीछे आ गई उसने सारा काम ख़राब कर दिया, क्योंकि कैमरा वैमरा और वो सब रेनकोट पहनना पड़ा, क्योंकि पतझड़ के पत्ते सारे सड़क पर हैं, तो वो उसकी वजह से सड़क बहुत स्लिपरी है, तो वो भी ध्यान रखना था। वहाँ बारिश थी और यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं है। तो ये है जी विकास। सच तो यहाँ कुछ अपने गांव में तो कुछ है नहीं, वही 2-4 उनके पिकनिक पॉइंट्स थे जिसके वजह से विकास फेमस है। हमने सोचा था कि शायद यहाँ अकोमोडेशन मिल जाएगी, तो यहाँ से कल हम फिर शिफ्ट हो जाएंगे मोल्दोवा नेक्स्ट कंट्री, लेकिन अब यहाँ अकोमोडेशन मिल नहीं रही है। राइट पर मेरे लेक चल रही है। अब लेक्स तो इतनी देख ली यूरोप में, ये छोटी मोटी लेक तो अच्छी नहीं लगती, अब इतनी बड़ी बड़ी लेक्स देख ली। यह है पियात्रा नमत। फ्लावर्स यहाँ हर जगह है यूरोप में, फूलों के शौकीन हैं ये लोग। यहाँ भी वो देखो ऊपर कैरिज वे ट्रॉली चल रही है, ये कहाँ लेके जा रही है, किसी माउंटेन पे लेके जा रही होगी। काफ़ी बड़ा शहर है ये। हम अब आगे नहीं जा रहे, यही नियमित पात्र में स्टे करेंगे। अपार्टमेंट हमने बुक कर दिया है, क्योंकि और 2 मिनट की दूरी पर रह गया है, अपार्टमेंट हमारा आ गया है। सो हमने अपार्टमेंट मिल गया है, ये अपार्टमेंट की ओनर है। हमको आज रुकना था हिसाब से विकास में, लेकिन विकास बहुत ही छोटी सी जगह थी और अकोमोडेशंस नहीं मिल रही थी। हमने गूगल में जब सर्च करा अपने रास्ते में, तो आगे हमको एक बड़ा शहर
मिला, जिसमें हमने अकोमोडेशन ढूंढी और अकोमोडेशन भी मिली, हमने वहीं रुकने का फैसला करा और उस शहर का नाम है प्यात्रा नियमित, और हमने booking.com से अकोमोडेशन बुक कर ली थी। और दिखाता हूँ आपको अकोमोडेशन अपार्टमेंट हमने क्या बुक करा है। यह अपार्टमेंट है 7th फ्लोर पर और शानदार शानदार अपार्टमेंट है। ये किचन इसका फुली फर्निश्ड किचन है, फ्रिज भी है यहाँ, और रूम देखिए फर्स्ट क्लास। टीवी तो हम देखेंगे ही नहीं, वॉशिंग मशीन भी है, कपड़े हमको धोने नहीं है, और ये काफ़ी बड़ा वॉशरूम है। तो अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए, कपड़े हमने बदल लिए हैं, पटक दिए हमने अपने राइडिंग गियर्स और लगेज, और चले अब हम यहाँ का सिटी सेंटर देखने, क्योंकि यहाँ की ओनर ने कहा था यहाँ का सिटी सेंटर अच्छा है। अब ये तो जाने के बाद पता चलेगा कि वहाँ लोग बाग मिलते हैं नहीं मिलते हैं, क्योंकि आज वर्किंग डे है, वेडनेसडे है, लोग बाग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो चलो चलते हैं सिटी सेंटर, दिखाते हैं और देखते हैं। तो हम निकले थे सिटी सेंटर के लिए घूमने, और अभी हम पूछ ही रहे थे डायरेक्शन में, इतने में ओनर आ गई डेनियाला, एंड उसने कहा चलो मैं घुमाती हूँ। उसने हमको 5-7 मिनट सब कुछ घुमा के और हमको छोड़ दिया यहाँ, जो कि है क्लॉक टावर यहाँ का। अब अंधेरा है इसलिए आपको पूरा दिख नहीं पा रहा होगा। तो हम निकले हैं सिटी सेंटर के लिए, और ये सिटी सेंटर का ही पार्ट है जिसपे हम चल रहे हैं। अभी हमने किसी से पूछा तो आप देख सकते हैं इधर भी सन्नाटा है और मेरे पीछे भी सन्नाटा। अब क्या शूट करें और क्या दिखाएं आप लोगों को। और ये वो विकास है इस साइड जहाँ हमको रहना था आज रात को। बोर्ड इन्होंने इतना बड़ा लगा रखा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा शहर होगा, लेकिन कसम से यार बहुत छोटा सा है। जो मैंने आपको दिखाया अभी, जो हम माउंटेंस के बीच में से निकल के गए थे, उसको विकास कहते हैं, उसी की वजह से वो फेमस है। और देखता हूँ खाने का कुछ इंतजाम चल रहा है, लगता है ये खा लेते हैं हम। यूरोप में स्वीडन में मैं काफ़ी टाइम रहा, नॉर्वे डेनमार्क भी रहा, वहाँ पर सेकंड हैंड गवर्नमेंट की शॉप्स हैं जहाँ पर सब कुछ मिलता है, कपड़ा, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, शूज, सब कुछ आप जो सोच सकते हैं वो मिलता है। जो वहाँ के रेजिडेंट्स होते हैं, जो उनके यूजेबल चीज़ें नहीं होती हैं, वो उसको वहाँ छोड़ जाते हैं और वो उसको फर्निश करके, दोबारा फर्बिश करके वारंटी के साथ देते हैं। वो मुझको पूरे यूरोप में अभी तक 14 कंट्रीज़ में नहीं देखने को मिली थी। ये 14th कंट्री रोमानिया में, वो अगर आप देख रहे हो सामने सेकेंड हैंड शॉप, ये अभी जब हम आ रहे थे तो रास्ते में कई दुकानें दिखी, बड़ी बड़ी दुकानें दिखी, तो यहाँ पर रोमानिया में और किसी शहर में नहीं दिखी, यहाँ पर ज़रूर दिखी थी। तो यहाँ पर सेकेंड हैंड के शॉप्स हैं और ये ऑथोराइज गवर्नमेंट की शॉप्स होती है। तो जैसा कि दिखाई दे रहा है, ये है सिटी सेंटर, गाड़ियाँ दिख रही हैं, आदमी दिख नहीं रहा। अब क्या दिखाएं हम आपको, वो देखिए ये सामने, ये क्या दिखाएं आपको हम। तो बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, बड़े थे अरमा मगर कम निकले, अब चले हम अपने अपार्टमेंट में आराम से जाके लेटेंगे, कुछ नहीं अब दिखाने के लिए।